जहां विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। आखिरी दिन ओबीसी आरक्षण, मेट्रो प्रोजेक्ट, खाद का मुद्दा गूंजा और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर तंज भी कसा। बीच में ले जाने के लिए सकारात्मक रुख जो आपने दिखाया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, कई वर्षों से आपने देखा होगा कि विधानसभा घोषित जो समय उसमें पूरा कभी नहीं चलती। ये कई वर्षों बाद पहली बार हुआ है कि 5 दिन का यदि निर्धारित अवधि थी तो 5 दिन चलने का अवसर प्रदान हुआ और चले। इसमें से कुल मिलाकर के 2-3 नई बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि फिर से हमने प्रथम दिन 22 तारीख को महिला सदस्यों को और प्रथम बार के विधायकों को अवसर प्रदान किया, और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ के रखी थी उसमें, ये भी पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा में कि जिस तरह से मंत्रियों की ब्रीफिंग होती है उसी तरह से मैंने एक ब्रीफिंग का काम शुरू किया अपने चैम्बर में। जिन विधायकों के प्रश्न 25 के भीतर आते हैं उनमें से रात को ही उनको यहाँ से सूचना जाती है कि आप कृपया 10 बजे यहाँ उपस्थित रहें, और हमारे जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं उनको ही बुलाते हैं, वो आते हैं, उनके प्रश्नों को वो भी समझते हैं और क्या प्रश्न पूरक हो सकता है केवल उतने पूछना। और उसका परिणाम ये निकला कि कल 16 लोगों तक प्रश्न चला गया था जब हल्ला नहीं हो रहा था उस दिन 22 तारीख को। तो एक तो ये शुरुआत की, महिलाओं को अवसर दिया, प्रथम बार के लोगों को अवसर दिया, और इसमें 7-4 असास की संकल्प की आए थे, 1578 क्वेश्चन थे, 31 ध्यान आकर्षण पर चर्चा हुई, 64 शून्यकाल की सूचनाएं हुई और 7 विधेयक और 7 विधेयक पारित हुए। इसमें ये काम हुआ। आज थोड़ा सा दुखद इतना जरूर है कि इतना बेहतरीन ढंग से चलते हुए विधानसभा को, जिसके लिए हम आते हैं यहाँ, हम सब चुन करके माने जो विधायक माननीय विधायक आते हैं, स्वाभाविक तौर पर जनता की अपेक्षा को, उसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, और इसी बात का मैं लगातार प्रयास करता हूँ। इसलिए मैंने जब उस दिन हमारे विधायकों के प्रोटोकॉल का सवाल आया तो मैंने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ली कि किसी भी माननीय सदस्य के, माननीय विधायक के सम्मान को कोई प्रतिष्ठा को आघात नहीं लगा सकता। ये हमारी जिम्मेदारी उसकी प्रतिष्ठा की, उसके सम्मान की रक्षा करने की, मैं वो प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने प्रोटोकॉल की समिति बनाई है, जल्दी उसका करके उसकी कार्रवाई शुरू कराऊंगा। और दो समितियाँ आज मैंने बना दी, एक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए और एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। दोनों में 11-11 सदस्य का निर्वाचन हो गया। एक समिति में पिछड़ा वर्ग में उसके सभापति जालम सिंह पटेल जी हुए हैं और अनुसूचित जनजाति में जय सिंह जी। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने पूरी कार्यवाही के बारे में ब्रीफिंग दी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए 2 समितियों का गठन हुआ है और उसमें विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, पूरे 5 दिन तक इस सत्र को संचालित किया गया। तो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर तंज भी कसा था, और बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि लगातार सत्र के दौरान बातचीत हुई और उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की गई और इसके साथ ही कई तरह की समितियों का गठन हुआ, विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। तो पूरे 5 दिनों तक शीतकालीन सत्र चला। बता दें विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस पर क्या कुछ कहना था विधानसभा अध्यक्ष का वो भी आपने सुना। विधानसभा का सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस बीच